पहला रीजन तो प्लेसमेंट है, राइट। अब इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो क्यों पूछा जाता है, लाइक कंपनी लाइक अमेजॉन है, एडोबी है, दे आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों। जैसे अमेजॉन का मान लो AWS है, उनको सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज चाहिए बंदे से। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, कैसे हैंडल होते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस। अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझोगे। और ये काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। चारों छह टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, और काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन क्यों हो जाता है, एक तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जज हो जाएगा और कोडिंग भी जज हो जाएगी। तो इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना तो है ही, प्लस उनको कोड कैसे करना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं ये पूरा प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं। सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग हमें कॉलेज में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा करना है तो क्या करना है, हमें प्लेसमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या करना चाहिए वो आई विल बी डिस्कसिंग। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, आई विल बी डिस्कसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए, सब कुछ समझ में आने वाला है तुम्हें एंड तुम्हें मजा आने वाला है। सो अगर पसंद आए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी मदद हो जाएगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ना है। देखो, दो है मेन रीजन। पहला रीजन तो प्लेसमेंट है, राइट। अब इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो क्यों पूछा जाता है, लाइक कंपनी लाइक अमेजॉन है, एडोबी है, दे आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों। जैसे अमेजॉन का मान लो AWS है, उनको सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज चाहिए बंदे से, राइट। तो वो उन चीजों पे पूछते हैं। एडोबी है, पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर बंदे को ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी तो वो कॉन्सेप्चुअली अच्छा नहीं हुआ, राइट। वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से बना नहीं पाएगा। सो कुछ कंपनीज ऐसी जिनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिल्कुल ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, मैं बता रहा हूँ 20-30 दिन में मैक्स कवर हो जाता है, ये मैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पढ़ना तो इसलिए यार। और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यार, एक कॉन्सेप्चुअली कि कंप्यूटर, अभी हम क्या पढ़ते हैं, कोड करते हैं, बट कंप्यूटर के पीछे क्या हो रहा होता है वो हमें समझ नहीं आ रहा होता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छे से समझ में आ पाता है, ठीक है। तो अच्छी नॉलेज होगी तो कंप्यूटर में कोड कर रहे हो और कोड करके वो पीछे क्या हो रहा है वो भी तुम अच्छे से तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो क्यों पढ़ना चाहिए इस क्लियर। नाउ हमें डिस्कस करना है क्या क्या पढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो मैं पूरा फटाफट से 4-5 मिनट लेके तुम्हें पूरा बताने वाला हूँ कि यार क्या क्या पढ़ना है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखो, सबसे पहली बात, तो सबसे पहले जब स्टार्ट करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, हमारी सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, फाइल मैनिपुलेशन, सब कुछ हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, एट बेसिक नॉलेज ले ली ना। उसके बाद जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा प्रोसेस नाम की चीज होती है कि जो भी काम कर रहा होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, राइट। तो प्रोसेस क्या होता है, उसमें एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नाम की चीज होती है, राइट। वो पूरा बताता है कि प्रोसेस एक एक करके कैसे कैसे चलता है, राइट। तो अच्छे से समझोगे कि प्रोसेस के पीछे क्या हो रहा होता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोसेस मिला है कि मेरे को अगर फाइल को मैनेज करना है तो मेरे को पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, दिस इज हाउ द प्रोसेस गोस, राइट। फिर जब प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टॉपिक यू विल लर्न इज थ्रेड। थ्रेड क्या है, अभी एक प्रोसेस थोड़ा ना चलता है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज कर रहे होते हैं, हम गूगल क्रोम भी यूज कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, राइट। तो वो थ्रेड के थ्रू हैंडल होते हैं कि एक साथ हम पैरेलली मल्टीपल प्रोसेस चला पाए। सो थ्रेड कैसे वर्क करता है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मल्टी थ्रेडिंग कैसे चलता है पूरा काफी अच्छे से पढ़ोगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, कैसे हैंडल होते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस। अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझोगे, और ये काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो उसको भी तुम हैंडल कर पाओगे। फिर जब थ्रेड में पढ़ोगे तो तुम समझोगे यार, एक यूजर लेवल पे थ्रेड होती है और एक कर्नल थ्रेड होती है। सो कर्नल इज जस्ट अबव योर हार्डवेयर, तो तुम कर्नल के बारे में समझोगे कि हार्डवेयर के जस्ट ऊपर एक कर्नल है, वो मैनेज करता है कि हार्डवेयर को कैसे कैसे देने हैं टू हैंडल द प्रोसेसेस। सो कर्नल के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखोगे, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि पीछे क्या हो रहा होता है, राइट। वंस दैट इज डन, तो तुम्हें समझ में आ गया प्रोसेस थ्रेड ये सब हो रहा है। फिर अब ये प्रोसेस शेड्यूल कैसे होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार ये भी रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो शेड्यूल कैसे करूं, कौन से प्रोसेस को पहले करना है, कौन से प्रोसेस को बाद में करना है, राइट। तो तुम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग, फिर उसके बाद तुम्हारा होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। मैं बता रहा हूँ छह टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, और काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन क्यों हो जाता है, एक तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जज हो जाएगा और कोडिंग भी जज हो जाएगी। तो इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना तो है ही, प्लस उनको कोड कैसे करना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है।
सो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है कि यार इसको कोड भी कर दो और पीछे क्या हो रहा होता है वो भी अच्छे से बता दो, राइट। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी हमारे बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम रियलाइज करोगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, टू लाइक शेड्यूल तो कर दिया, अब एक प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी वजह से कुछ दूसरे प्रोसेस में भी दिक्कतें हो रही हैं, तो तुम डिफरेंट प्रॉब्लम्स पढ़ते हो, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर रियलाइज हुआ, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन किसके थ्रू निकालते हैं, हम सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू हैंडल करते हैं, और वो सेमाफोर्स होता है, राइट। बहुत सुना होगा इंटरव्यू में व्हाट इज सेमाफोर पूछा जा रहा है, हाउ सेमाफोर हैंडल्स लाइक दीज प्रॉब्लम्स वो पूछा जा रहा है। सो अच्छे से उसके बारे में पढ़ते हो कि सेमाफोर समझ में आ गया, अब सेमाफोर कैसे हैंडल कर रहा है उन प्रॉब्लम को उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जब सेमाफोर पढ़ लिया उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, सेमाफोर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट। तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेमाफोर में प्रॉब्लम्स आ जाती है कि काउंटर को कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, पीटरसन सॉल्यूशन, टेस्ट एंड सेट सॉल्यूशन। तो सेमाफोर से हमने एक प्रॉब्लम हैंडल करी बट सेमाफोर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए हम अपने सॉल्यूशंस पढ़े कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करना आ गया कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर सेमाफोर्स के बाद क्या आता है, अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक। क्या होता है, एक प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस प्रोसेस को वो वाला रिसोर्स चाहिए जो प्रोसेस वन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो तुम एक लूप में फंस गए हो, राइट। तो हाउ विल यू हैंडल दिस डेडलॉक, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम लाइक स्टे हो जाएगा, राइट, कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस प्रोसेस को ये चाहिए जो दूसरे ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस प्रोसेस को वो चाहिए जो पहले वाले प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, सो यू विल कम विद अ डेडलॉक। फिर तुम पढ़ते हो डेडलॉक को कैसे हैंडल करते हैं, अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि डेडलॉक को कैसे हैंडल करा जाएगा, सो यू विल लर्न अबाउट दैट कि डेडलॉक को कैसे हैंडल करें, राइट। वंस यू हैव लर्न अबाउट दैट, फिर तुम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो कि जो हम बात करते हैं ना लैंग्वेज में सीखते हैं, इसको ये एड्रेस मिल जाएगा, वो एड्रेस कैसे मिलता है, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस कैसे मिलता है, हाउ मेमोरी मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन, राइट। फिर तुम उसमें समझोगे, अच्छा पेजिंग के थ्रू कुछ कुछ हो रहा होता है, राइट, कुछ पेजेस के थ्रू हैंडल करते हैं, सो पेजेस से समझ में आता है, अच्छा मेमोरी एलोकेट तो हो गई, अब उसमें पेज फॉल्ट आने लग जाता है, मतलब हम ऐसी जगह मेमोरी ना एलोकेट करते जो एग्जिस्ट नहीं करती, सो पेज फॉल्ट आएंगे, फिर उसको लाइक अगेन एक प्रॉब्लम आ गई कि पेज फॉल्ट आ गई, फिर उसके लिए हम एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं कि यार ये पेजिंग के जो पेज फॉल्ट आए हैं उसको कैसे हैंडल करें। सो यू लर्न अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। उसमें एक इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम होता है LRU कैशे, आई थिंक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम भी है, लीस्ट रिसेंटली यूज कैशे, और वो यहां पर भी यूज होता है पेजिंग में कि LRU से हम वो सॉल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम पेज फॉल्ट वाली, राइट। तो अगेन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है, LRU में तुम डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व करोगे और तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेक हो जाएगा कि इस बंदे को ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है और कोड करना भी आता है कि LRU में कैसे करते हैं, सो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद तुम थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। डिस्क मतलब कि लाइक हमारे को डिस्क में इनपुट और आउटपुट करना है, तो किसका प्रोसेस का पहले करें, हाउ विल वी शेड्यूल द प्रोसेसेस, तो वो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे पढ़ रहे होते हैं, अगेन उसकी कुछ कुछ एल्गोरिथम्स होती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फॉर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव। हमें प्रोसेसेस समझ में आ गए, हमें थ्रेड समझ में आ गए, हमें प्रॉब्लम्स इन ऑपरेटिंग समझ में ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गई, उसको हैंडल करने के लिए सेमाफोर समझ में आ गया, फिर सेमाफोर समझने के बाद सेमाफोर में प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ में आ गया, फिर हमें समझ में आ गया अच्छा मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, फिर मेमोरी एलोकेशन में पेज फॉल्ट में कुछ दिक्कतें आई उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम सीख ली, काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख ली, और फिर हमने एक लास्ट में डिस्क शेड्यूलिंग सीख ली। आई थिंक दिस इज मोर देन कवर कि हमने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा अच्छे से समझ लिया, एंड दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई थिंक मैंने ये भी बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, सो हमें क्या क्या पढ़ना है वो अच्छे से कवर हो गया। अब हमें बात करनी है कि हमें कहाँ से पढ़ना है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ने के दो तीन तरीके हैं, एक तो उसकी बाइबल है गैल्विन, आई थिंक बहुत ही कॉमन बुक है, मैंने भी अपनी पढ़ाई वहीं से करी थी, सो गैल्विन मोटी बुक है बट सारा जो भी नॉलेज चाहिए तुम्हें सब कुछ कवर्ड है, राइट, इट्स अ बाइबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो उस बुक से पढ़ सकते हो। बट मुझे लगता है वो बुक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसर्च करने के लिए वैसे वालों के लिए प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से उसमें टू मच है, तो प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से आई थिंक क्या कर सकते हो, तुम हमारा एक गाइडेड पाथ है कोड स्टूडियो पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें जो मैंने डिस्कस करा है वो पूरा कवर्ड है, पूरा एक इंडस्ट्री लेवल का गाइडेड पाथ है, मतलब Amazon में ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस कौन से आएंगे, Adobe में कौन से आएंगे, IBM में कौन से आएंगे, पूरा एक इंडस्ट्री लेवल का गाइड पाथ बना हुआ है। MCQs हैं, तुम्हें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के कोड करने हैं वो भी गिवन है उसके अंदर कि कोड करना है अगर हमें,
तो पूरा एक इंडस्ट्री लेवल का गाइड पाता है, कोड भी हो जाएगा, तुम्हारे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, तुम्हारे को इंटरव्यू क्वेश्चंस जो डिफरेंट कंपनीज में पूछे गए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सो मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा एक हमारा कोर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, आई थिंक काफी सही है बिकॉज एक इंडस्ट्री लेवल का एक्सपर्ट ने तुम्हारे लिए वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं। सो वहां से तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। एंड ऑनेस्टली 15-20 दिन में हो जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कवर, सो ज्यादा लोड भी नहीं होता और हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी तुम्हें पढ़ना है, ये मैंने रिसोर्सेज बता दिए हैं, यहाँ से तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मैं टेक गारंटी करता हूँ, अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली इन रिसोर्सेज से तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एकदम फोड़ दोगे, राइट। हमें क्यों पढ़ना चाहिए मैंने कवर कर दिया, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सारा कवर कर दिया, और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए वो भी तुम्हारा कवर हो गया। अब तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, तुम्हें पूछना है कि ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करें, या तुम्हारी कोई और गाइड पाथ की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। तुम्हारी कुछ और रिक्वायरमेंट हो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, या मैंने कुछ मिस करा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर पसंद आई ये वीडियो तो यार लाइक एंड शेयर कर देना। सबके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से जितना पढ़ना है वो मैंने सारा कवर कर दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। सो एंजॉय दिस वीडियो, पढ़ाई अच्छे से करो और फोड़ दो प्लेसमेंट्स में। गुड लक।